नमस्कार, आप देख रहे हैं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग का फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं एसके पाठक आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम है समसामयिक विषयों पर आधारित रहता है गन्ना खेती के, और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे नवीन स्वीकृत गन्ना किस्मों की पहचान और उसकी विशेषताएं। आप सभी लोग जानते हैं कि चीनी मिलों में, प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना पिराई का कार्य प्रारंभ हो गया है और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, चाहे वो चीनी मिल का गेट हो या फिर बाह्य क्रय केंद्र हो, उस पर गन्ने की किस्मों को लेकर के विवाद की स्थिति आ जाती है कई बार। और ऐसे में ये बहुत ही जरूरी है कि हमें किस्मों की पहचान, चाहे वो हमारे किसान बंधु हों, चाहे वो चीनी मिल के तौल बाबू हों या चीनी मिल के अधिकारीगण हों, किस्मों का बेहद बारीकी से ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम इस तरह की स्थिति को आने से बच सकते हैं। और इस क्रम में आज जो हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा पूरी रही, वो नवीन स्वीकृत किस्मों के बारे में हमारी चर्चा रहेगी जो अभी हाल ही में इस वर्ष रिलीज हुई हैं या फिर पिछले दो सालों में रिलीज हुई हैं, उन्हीं पे हम फोकस करेंगे क्योंकि बाकी किस्मों पे हम लगातार ये कार्यक्रम जो हमारा चलता रहता है। तो इस विषय पे पूरी विस्तार से जानकारी देंगे जो ब्रीडिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, यहाँ पे वैज्ञानिक अधिकारी के पद पे हैं और गन्ने की किस्मों के पहचान में बड़ी बारीकी से जानकारी आपके पास है, बड़ा एक लंबा अनुभव आपके पास है। तो जरूर मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़े रहिए और किस्मों के पहचान के बारे में इस विधिवत जानकारी के लिए इस कार्यक्रम से पूरे कार्यक्रम को आप लोग देखिएगा। तो डॉक्टर साहब, सीधे हम आपसे ये चाहेंगे कि जो नवीन स्वीकृत किस्में हैं जो इस वर्ष रिलीज हुई हैं और जो पिछले दो सालों में रिलीज हुई हैं, उस पर हम ज़्यादा आज चर्चा करेंगे कि क्योंकि अभी तक क्या था कि गन्ना किस्म को 0238 का बहुत बड़े क्षेत्र में ये आच्छादित रही है, तो ऐसे में अन्य किस्मों का स्थान बहुत कम रहा है, लेकिन अब नवीन किस्में काफ़ी उसके जगह पे स्थान ले रही हैं, तो ऐसे में पहचान की दिक्कत किसान भाइयों के सामने भी आ सकती है, चीनी मिल के तौल बाबू हैं उनके समक्ष भी आ सकती है। तो इस समय किसान बंधु या तौल बाबू या चीनी मिल के अधिकारी कैसे गन्ने की किस्मों को पहचाने, तो एक एक किस्मों के बारे में डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि विस्तार से आप जानकारी दें। डॉक्टर साहब धन्यवाद, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अब तक जब से वैरायटी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ सन 1918 से 231 किस्में स्वीकृत की जा चुकी हैं और वर्तमान समय में 69 वैरायटी प्रदेश की जो स्वीकृत किस्मों की लिस्ट है उसमें 69 वैरायटी है 69, उसमें से बहुत सारी जिनका एरिया बहुत कम है उनके बारे में तो हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि अभी पिछले दो वर्षों में जो वैरायटी दो तीन वर्षों में या रिसेंटली रिलीज है उनके बारे में फोकस करेंगे जी, हम चार पांच वैरायटी ही फोकस करके आपको। तो सबसे पहले ये जो गन्ने की किस्म है कोसा 13235, डॉक्टर साहब इसको किसान भाई कैसे पहचाने इस समय, क्योंकि इस समय किसान गन्ने की छिलाई करके चीनी मिलों में सप्लाई कर रहे हैं, तो इस समय पूरा तना किसान भाई लेके जा रहे हैं, तो कैसे उनको पहचाने, चाहे तो बाबू हो या हमारे चीनी मिल के अधिकारीगण हो या किसान बंधु हो। ये सबसे पहले तो आप देख रहे हैं जैसे गन्ने के खेत के किनारे जब खड़े होंगे हम, तब ये जो पत्ती का लीफ का कर्वेचर है ये पत्ती सारी झुकी हुई नजर आ रही है, झुकाव लिए हुए, और फिर ऊपर से जब देखेंगे तब ये लाल रंग के हल्के धब्बे, और नजदीक से मैं चाहूंगा जरा और नजदीक से दिखाएं, लाल रंग के धब्बे ये इस समय बिल्कुल क्लियर है, ये मैच्योर क्रॉप में आते हैं, तो ये क्रॉप अर्ली की है, ये मैच्योर हो चुकी है इसमें ये डॉक्टर साहब लाल धब्बे, हाँ यहाँ पे किसान भाइयों को और क्लियर कर दीजिए कि ये लाल धब्बे ये इसके मैच्योरिटी का लक्षण है, कोई कीट या बीमारी का कोई ऐसा कुछ लक्षण नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी जी। वैसे तो गन्ने की किस्म को पहचानने के लिए 27 लक्षण होते हैं, इंटरनेशनली करीब 39 लक्षण भी हैं जी, लेकिन हम भारत सरकार का जो डिस्टिंक्टिवनेस यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट है उसके तहत ये लगभग सभी क्रॉप में है, तो गन्ने में 27 लक्षण हैं जिनके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें से जो मेन लक्षण है हम
उन्हीं को बताएंगे जो फार्मर या चीनी मिल प्रतिनिधि आसानी से पहचान सके। अब सबसे पहले जैसे गन्ना हम पकड़े हैं तो ये गन्ना चपटा है, ये थोड़ा चपटा होता है, कोसा 13235 का, गोलाकार नहीं कह सकते हैं इसको। गोलाकार नहीं है ये, अगर ये देखिए अगर आप इसको पकड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल जो है गोलाकार नहीं है, गोलाकार नहीं, ये चपटा है, चपटा है। तो ये पहली पहचान है। दूसरा ये कि जैसे ये लीफ सीट है, लीफ सीट पे कोई कांटे नहीं है, इस पे कांटे नहीं पाए जाते। और आरिकिल, जो इनर आरिकिल होता है, ये जो लीफ सीट है डॉक्टर साहब, इसमें कांटे नहीं है। हाँ, कांटे नहीं है, इनर आरिकिल जी। इनर आरिकिल ये वो होता है, जैसे कि ये बाहर की तरफ ये पत्ती दिख रही है, एक पत्ती अंदर की तरफ सटी हुई है जी। तो जो अंदर दबी हुई पत्ती है वो अंदर से निकली है। ये इसी पे ले जाएंगे तो इस पे ये इसका टूट गया है, इस पे इनर आरिकिल ये होता है इस साइड, ये डेंटोइड टाइप का आरिकिल है। इसको एक बार और थोड़ा सा डॉक्टर साहब समझाइए, ये जो गन्ने का जो ये कान कहा जाता है, ये इनर आर्किल है और ये आउटर आर्किल है। अब यहाँ पे देखिए गन्ने की पत्ती कहाँ यहाँ से चिपट के कैसे निकलती है, जो अंदर की ओर है इसको इनर कहते हैं और जो बाहर की तरफ है इसको आउटर कहते हैं। इसमें आप देखिए संभवतः आउट क्लियर हो, इसमें जैसे ये पत्ती है जी, ये पत्ती अंदर दबी हुई है ठीक। हाँ, ये अंदर दबी है, यहाँ से इसको ले जाएंगे तो ये जो आर्किल है अंदर साइड में, ये यहाँ पे ये डेंटोइड टाइप का आर्किल है, दंताकार जिसको दंताकार, ये क्लियर इसमें दिखाई दे रहा है। और इस पे हल्के से ये हेयर पाए जाते हैं यहाँ इनर आर्किल पे डॉक्टर साहब। हाँ, ये आसानी से आप लोग देख सकते हो। फिर नीचे आते हैं, अब गन्ने की आंख देखिए, बिल्कुल गोलाकार है, गोलाकार आंख, उभरी हुई भी है डॉक्टर साहब यहाँ पे। हाँ, उभरी हुई है, उभरी हुई भी है आंख इसकी, उभरी हुई, गोलाकार उभरी हुई। हाँ, ये देखिए, और आंख के साइड में दोनों तरफ ये हल्के हल्के विंग पाए जाते हैं, पंख हैं। ये हर वैरायटी में नहीं पाए जाते हैं, एक वैरायटी बहुत पहले जो थी 91269 रिजेक्ट हो चुकी, उसमें बहुत क्लियर था, इसमें भी क्लियर है, ये पंख दिख रहे हैं। ये पंख हैं, और इसकी जो सरफेस है बहुत चिकनी होती है, ये बड की। अब देखेंगे गन्ने को काट के, ये गन्ना बिल्कुल ठोस है ना, ये देखिए काटने पे पूरा ठोस दिखाई दे रहा है, किसी तरह का कोई पिथ नहीं है इसमें, कोई पिथ नहीं है इसमें। और एक जो पोरी फट जाती है, पोरी फटने की भी प्रवृत्ति इस वैरायटी में नहीं है। और दूसरा, आंख के सामने एक नाली होती है, वो चीज भी इसमें नाली बिल्कुल नहीं पाई नहीं, जाती नहीं है। बड ग्रूव इसमें अब्सेंट है, किसी भी तरह का कोई बड ग्रूव नहीं है। यही चार पांच पहचान है जिससे हम पहचान, जिससे आप आसानी से देख सकते हो, पहचान सकते हो। वैसे और भी हैं, लेकिन और आप लोगों उतना डिटेल।